वेलकम टू माई YouTube चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। आज हम बात करेंगे भी रिसेशन, हाउ रिसेशन मतलब भी कैसे इफ़ेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को जो नए आ रहे हैं, और कैसे किया है जो आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह आप पढ़ती होगी तो देखते होगे भी रिसेशन UK को हिट कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ के लोगों के लाइफ के, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस और चीज़ें होती है जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, हर चीज़ में प्राइस, दूध के प्राइस अप होना, तो सारी मतलब जो है अर्निंग पर आवर इट्स अ सेम। सो भाइयों, मेरा नाम है अक्षय और मैं रहता हूँ लंदन में, बक्स न्यू यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं मेरी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ। तो आज पहले आपने टॉपिक देख ही लिया होगा भी क्या है, मतलब ये रिसेशन में जैसे स्टूडेंट्स के जो ऑफ़र लेटर आए हुए हैं उनको, जो जो जिन जिन लोगों के ऑफ़र लेटर आए हुए हैं वो भी चलो मान के चलो कैंसिल कर रहे हैं अभी रिसेशन, मतलब UK के अंदर आ गया। ये रिसेशन UK में नहीं आया, वैसे पूरे वर्ल्ड में आ चुका है। तो वो सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं अभी नहीं आने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैंसिल कर दिया UK आने का या फिर और कोई सी कंट्री बाहर जाने का। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे भी क्या रीज़न क्या है, लोग क्यों कर रहे हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या लोगों ने रिसर्च की है और किस किस हिसाब से, मतलब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जनवरी इनटेक मेरे हिसाब से बेस्ट इनटेक है जिसमें आपको 4 मंथ्स की छुट्टियां मिल जाती है, जो कि आपके मतलब समर वेकेशन के रूप में मिल जाती है आपको। कह सकते हो भी मास्टर्स डिग्री वालों को 1 साल में 4 महीने की छुट्टियाँ आ जाए, 1.5 साल के वीज़े के अंदर फुल टाइम वर्क राइट्स। सो फीस क्यों नहीं कवर होती, टोटली फीस कवर हो जाती है 4 महीने में, करने वाला होना चाहिए और हो जाता है UK के अंदर। अब बात करते हैं अभी रिसेशन करके स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, हाउ रिसेशन विल इफेक्ट द स्टूडेंट्स, रिसेशन कैसे इफेक्ट करेगा। रिसेशन 2-3 तरीकों से नॉर्मली इफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को। फर्स्टली रेंट इंक्रीज हो गए तो अकोमोडेशन शेयरिंग में करो भाई, कैंसिल थोड़ी करना होता है भी हाँ हम रिसेशन आ गया नहीं आ रहे। रिसेशन बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है, जो बड़े बिजनेस होते हैं छोटे बिजनेस होते हैं, लोग घरों की मॉर्गेज नहीं भरते, इसको मतलब मंदी आ जाती कंट्री में। पर ऐसा नहीं है भी स्टूडेंट्स को कहीं इसका बहुत ज़्यादा जॉब नहीं मिल रही या फिर अकोमोडेशन नहीं मिल रही, इसका कारण है बहुत सारे स्टूडेंट्स आना, न कि रिसेशन आना। ये हर इनटेक में होता है, जैसे जैसे मतलब स्टूडेंट्स का क्रेज़ बढ़ेगा इधर UK आने का, उस हिसाब से ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अब जो मेन हब है लंदन, तो लंदन के अंदर तो मान के चलो भी ये चीज़ें नॉर्मली आपको फेस करनी पड़ेगी। तो रीज़न ये है भी लंदन के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ इसके अंदर मतलब भी एंटर होते हैं, तो इस हिसाब से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी चाहे आप कहीं चले जाओ। कनाडा में भी यही चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में यही वही चीज़ है, पर रीज़न क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट ने फुल टाइम वर्क राइट्स कर दिए, कनाडा ने भी अब कर दिए, ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत पहले कर दिए थे पर यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं किए। हाँ ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू UK। किस लिए, किस रीज़न से, एजुकेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, पर अगर बात करें लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो स्टूडेंट्स, तो ये सभी भाइयों को कहूँगा भी आओ, आके ही पता चलता है। चल ठीक है मान के चलो थोड़ी कम कमाई होगी, कहने का कम कमाई कर लोगे, थोड़ा सा लेट कमाई स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, पर इंडिया बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता ना। तो जैसे ही निकलोगे वहाँ यहाँ आते ही अपने आप सब कुछ सेट हो जाता है। अब दूध की प्राइस होगी, बिल होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगे, अकोमोडेशन होगी, तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इनके एक्सपेंस बढ़ेंगे। पर क्या है ना, जॉब एक ही एरिया में सर्च करो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जॉब सर्च करो, और जो जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं तो अब आपको पता है अभी आपने रिसर्च के हिसाब से या फिर जैसे भी हमें पता चल रहा है अभी लंदन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो आप आउटर लंदन अप्लाई करो। पर मेन चीज़ मैं तो यही कहूँगा भी जो है इंग्लिश भाई बढ़िया से सीख के आओ, ऐसे नहीं है भैया
इंग्लिश नहीं आ रही और हम मतलब यूके आ रहे हैं, तो फिर आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मतलब इंग्लिश लैंग्वेज स्किल नहीं है, तो आपको या तो कोई इंडियन से आपको काम लेना होगा, या फिर आपको कोई मान के चलो पाकिस्तानी काम देगा, बांग्लादेशी काम देगा। पर इन सब को छोड़कर अगर आपको बढ़िया इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप टेस्को, सेंसबरी, क्वालिटी फूड, वेट्रोस, बहुत सारी जॉब है अलग अलग एरिया में है। अब इधर जैसे हम रहते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ लंदन के अंदर, तो वेस्ट साइड ऑफ द लंदन के अंदर तो मान के चलो भरा पड़ा है स्टूडेंट्स हो, तो आप ईस्ट के अंदर जा जॉब ढूंढो और रिचमंड साइड जाके जॉब ढूंढो, तो लंदन में इस साइड मतलब भी एक एरिया फुल हो गया, तो वहाँ पे तो मतलब आपको जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। और कंपटीशन बढ़ते ही यहाँ के मतलब शॉपर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो मतलब गिरा देते हैं, पर आवर वेजेस गिरा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है रिसेशन वगैरह आपको कहाँ इफेक्ट कर रहा है। हाँ, बैचलर डिग्री वालों को लिए तो मैं पहले ही कहता हूँ भी फीस निकालना बहुत मुश्किल है, आपने घर से सपोर्ट लेनी होगी। मुश्किल ऐसे है, छुट्टियाँ आ जाती है 4 महीने निकाल लेते हैं, पर आपके यहाँ पे जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और एक्सपेंसेस के साथ साथ और भी खर्चे, लोगों की आदतें होती है करने की, चल जो नहीं कंट्रोल कर पाते, जो कंट्रोल कर लेते हैं वो तो बैचलर भी यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बैचलर नहीं कर रहे, वो फीस निकाल रहे हैं, मान के चलो 1-2 लाख की घर से सपोर्ट लेनी होगी, फ्रेंड से हो जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब सब सॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बी पॉजिटिव भाई, आओ, जनवरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कोई भी किसी के कहने पे भी रिसेशन आ रहा है, हिट कर रहा है, वहाँ कमाई नहीं है, ये नहीं है वो, 1 महीना लेट जॉब मिल जाएगी, 15 दिन लेट मिल जाएगी, 2 महीने लेट जॉब मिल जाएगी, फिर क्या हो जाएगा। बस इतना सा है अपना भी आते वक्त थोड़ा सा अपना बैकअप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, जहाँ इतने 15 लाख लगा रहे हो वहाँ पे ऐसे सोच लेना भी यहाँ 16 लाख लग रहे हैं, पर यहाँ आने के बाद बहुत रास्ते खुलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अपडेट के लिए।